नमस्कार, दिस इज कनिष्क चौधरी। आप कितने ही महंगे शूज़ खरीद लीजिए, जूते खरीद लीजिए, चप्पल खरीद लीजिए, सैंडल्स खरीद लीजिए, लेकिन जो आपने नेचर ने आपको दिया है, जो भगवान ने प्रकृति ने आपको दी है, उससे बढ़कर कुछ भी चीज़ नहीं हो सकती, यानी वही चीज़ सुप्रीम है। तो आज हम बात करेंगे नंगे पैर चलने की, बेयर फुट रहने की। इस इतने क्यों इंपॉर्टेंस है बेयर फुट चलना? आपकी हैमस्ट्रिंग टाइट रहती है, लोअर बैक पंप रहती है, आपके एंकल में, आपके घुटनों में दर्द होता है, आपको तनाव रहता है, डिप्रेशन स्ट्रेस जैसी चीज़ रहती है और दूर नहीं हो पाती लंबे समय तक। इस चीज़ से ठीक की जा सकती है नंगे पैर चल के। आप याद कीजिए, आपके पूर्वज घर में जमीन कच्ची हुआ करती थी और नंगे पैर ही घर में चला करते थे, जब ऐसा चलन नहीं था पहले के टाइम में, जब इतने जूते चप्पल नहीं हुआ करते थे, लोग नंगे पैर ही चला करते थे और वो हमसे ज़्यादा हष्टपुष्ट थे। उनके घुटनों में इतनी दिक्कत नहीं हुआ करती थी, उनके एंकल में इतनी दिक्कत नहीं होती थी, लोअर बैक में दर्द नहीं हुआ करती थी, हमसे ज़्यादा तंदुरुस्त थे। क्यों? क्योंकि जब वह चलते थे उस जमीन पर, वहाँ जब हम हार्ड सरफेस पे चलते हैं, उनके घर कच्चे हुआ करते थे, नीचे से कुछ ऐसा पक्का नहीं होगा जैसे आजकल ईंट मार्बल सारी चीज़ लगती है, तो हम शूज़ खरीदते हैं वो जो हमारा पूरा शॉक अब्जॉर्बिंग शूज़ आते हैं, किसी में जेल होता है, किसी में एयर भरी होती है, किसी में फोम होता है, अलग अलग तरीके के ऐसे ऐसे जूते महंगे एक्सपेंसिव चल रहे हैं। तो पहले क्या होता था, जब हम कच्चे सरफेस पे चला करते थे तो जो हमारी बॉडी का जो पूरा प्रेशर है जो जमीन की ओर जा रहा है, वो जमीन में ही डिजोल्व हुआ जाया करता था, वापस उठ के नहीं आया करता था। अब क्या है, अब हम पत्थर पे चल रहे हैं, जो हमारा जमीन का पूरा पाँव प्रेशर पड़ रहा है, पूरा पैर पड़ रहा है, वो जमीन का प्रेशर यहाँ इस पे लग के, जमीन पे लग के, मार्बल पे, पत्थर पे लग के, वो वापस आपके घुटनों की तरफ आता है, आपके पैर की तरफ आता है। लेकिन ये हमें आम जिंदगी में चीज़ पता ही लग पाती है। अब हम अपने सरफेस को तो चेंज कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम इतना तो चेंज कर सकते हैं कि हम नंगे पैर तो भी चल सकते हैं, क्योंकि जो नेचर ने जो हमारे ये पूरे पैर को जो आकार दिया है, वो इसी तरीके से दिया है कि आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में, ऊंचे नीचे पे, इधर उधर पे, कैसे भी आप चल सकते हैं। अगर सुबह सुबह के टाइम आप अपने घर में इस तरीके से उठ के और नंगे पैर टहलेंगे, ऐसे वॉक करेंगे, ये सारी चीज करेंगे, 10-15 मिनट इस तरीके से आप चलेंगे, तो मैं इस बात की उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत सारे बेनिफिट इस चीज़ से होंगे। आपकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी लोअर बैक। और एक और आपको टेक्निक बता देता हूँ मैं, इस बॉल को अलग साइड हटा देते हैं। अगर आप मलासन में बैठते हैं, ये फीट अपार्ट करके इस तरीके से, और इस तरीके से आप मलासन में बैठते हैं, अपनी कमर को सीधी करके बैठते हैं और इस तरीके से आप कंफर्टेबल होते हैं बैठने में, ये बैठने में, तो ये बैठ के स्टार्ट करना स्टार्ट कीजिए, ये बैक की पोजीशन करनी स्टार्ट कीजिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। आपकी लोअर स्पाइन, ये जब बैठोगे आप, कमर सीधी रहेगी, लोअर स्पाइन, रीढ़ की हड्डी यहाँ से नीचे से मजबूत रहेगी, आपकी थाइज, आपकी कॉर्ड, आपके एंकल के दर्द, इस तरीके से 10-15 मिनट भी आप अगर बैठ के बात करते हो, बैठ के कुछ काम करते हो, इवन आप फोन ही चला रहे हो, बैठे से फोन चला रहे हो, तो आपकी जो हेल्थ है वो उसमें कुछ ना कुछ आप ऐड ऑन कर रहे हो, उसको आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। तो नंगे पैर चलना स्टार्ट कीजिए, दिन में 10-15 मिनट अपने घर में जरूर आप नंगे पैर चलिए, ये आर्च आपके बने रहेंगे, जो इनके फ्लैट फुट होते हैं वो भी ठीक होने लगेगा, और जो आपके जब आप जमीन पे चलोगे, नेचर पे चलोगे, सुबह सुबह कच्ची घास पे चलोगे सुबह सुबह, तो आपका जो कनेक्शन है वो प्रकृति से भी बहुत अच्छा बनेगा, आप मेंटली स्पिरिचुअली भी बहुत अच्छे होगे, आप नेचर से कनेक्ट होगे, आपको ऊर्जा मिलेगी, जो जमीन की ऊर्जा है, जो नेचर की ऊर्जा है, वो ऊर्जा मिलेगी, आपकी आंखें अच्छी रहेंगी, आपके तनाव दूर होगा, आपके मन में विचार अलग तरीके के आएंगे जो कि पॉजिटिव होते हैं। तो चलना स्टार्ट कीजिए नंगे पैर, ये चलने नंगे पैर चलने की महत्ता हो सकती है पूरी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कुछ नया समझने का और करने की इच्छा हो रही है, तो इस वीडियो को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं आप, वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को मदद हो, और नंगा पैर चलना थोड़ी देर स्टार्ट कीजिए, अपने महंगे जूतों को एक साइड रखिए कुछ देर, और जितना हो सके नंगा पैर चलिए अपने घर में, नंगे पैर बेयर फुट चलिए, और जितनी भी एक्सपेंसिव स्टफ है उन्हें बाहर आउटसाइड यूज़ कीजिए, घर के बाहर यूज़ कीजिए उन्हें, घर में जितना हो सके उतना नेचुरली रहने की कोशिश करें, सुबह सुबह घास पे चलने की कोशिश करें, कच्चे में चलने की कोशिश करें, कच्चे में रनिंग करने की कोशिश करें, ताकि आपका आर्टिफिशियल जो भगवान ने नेचर से जो फीट का जो हमारा शेप दिया, उस शेप को मेंटेन किया जा सके और अच्छे से रहा जा सके। उम्मीद कर रहा हूँ कुछ नई चीज़ समझ में आई होगी आपको, कुछ नया आपके थॉट प्रोसेस में गया होगा, अंदर सोच विचार में गया होगा। वीडियो कैसी लग रही है जरूर बताएं, कुछ देर 10-15 मिनट नंगे पैर अपने घर में जरूर चलें। नमस्कार, बहुत जल्दी स्क्वाटिंग की वीडियो लेके आने वाला हूँ, सद्गुरु के कुछ थॉट्स जो 2-3 एक्सरसाइज उन्होंने बता रखी हैं अपनी वीडियोज़ में, उनको बहुत जल्दी आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से वो सारी चीज़ की जा सकती हैं, और सारी वीडियोज़ आपके लिए लेके आने वाला हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।